सो हम अभी यहाँ पे बहुत भीड़ है आज, आप देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले हमने ये होटल चूज़ किया है, वहाँ पे हमें उन लोगों ने नॉन वेज दे दिया था, तो इंडियन करी हाउस देख रहे हैं आप नेम। हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे बहुत सारी होटल्स हैं लाइन में। और देखो थोड़ा सा ट्रैफिक भी आज फेस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक आज आ चुकी है क्रिसमस की वजह से। और कोल्ड बहुत है, देख सकते हो आप धुआं निकल रहा है। लेकिन बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है आगे, आप देख सकते हो यहाँ पे सब टी-शर्ट सेल पे लगा हुआ है। और ये जो ऑथेंटिक इंडियन प्रिंट जैसा कुछ है ये मुझे लगता है गर्ल्स लोग के लिए। लेकिन चलो देखते हैं बैम स्टॉफ गिफ्ट्स में क्या है। तो यहाँ पे सब टी-शर्ट कलेक्शन है, बहुत ही बढ़िया इसका फैब्रिक रहता है, हमें वो बहुत कंफर्टेबल लगता है। और यहाँ पे स्वेट शर्ट है, इसका क्या प्राइस है हनीफ? $34। लेकिन यहाँ पे आपको वैरायटी बहुत मिलेगी। और इन लोग के जो कलर होते हैं वो बहुत ही अच्छे चूज कर लगते हैं, ये लोग सॉफ्ट कलर रहते हैं, आप देख सकते हो पूरा ओल्ड स्कूल रिच लगता है। और भी यहाँ पे गूगल से ये सब और किचन शो सब है, शॉपिंग हम बाद में करेंगे। और ये हैंड क्राफ्टेड बैग्स है बैम्फ नेशनल पार्क। सो लेट्स गो, फर्स्टली हम होटल में जा सकते हैं, वहाँ पे वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। सो चलो होटल में चलो, इंडियन करी हाउस, अभी देखते हैं वहाँ पे क्या है। सो लेट्स गो, ओपन द डोर बेबे। पूरा इंडियन स्टाइल में बनाया है क्या इन लोगों ने? स्टेयर्स भी ऐसे ही बनाई, तो अभी देखते हैं पूरा इंडियन वाइब आएगा मुझे लगता है। ओह नाइस, वेलकम वेलकम टू इंडियन करी हाउस। ओह यहाँ पे बोस्टन पिज्जा भी है साथ में, इधर बाहर भी, विच इज नॉट। આજ છે ઇન્ડિયન કરી હાઉસ, એટલે આપણે અહીંયા આવ્યો હા હા બરાબર છે ગાઈઝ। ઇન્ડિયન કરી હાઉસ ઇસ સાઈડ હે, લેકિન હમ જાયેંગે બોસ્ટન પિઝા, ક્યુંકિ વહાં પે હમેં 15-20 મિનિટ કા વેટ દિખા રહા હે। સો ઇન્ડિયન કરી હાઉસ મેં વેટ બહોત હે, લેકિન પૂરા ઓથેન્ટિક લુક હે। સો अभी हम जाएंगे बोस्टन पिज़्ज़ा में और चलो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा लेते। आंटी कही है मम्मी पिज़्ज़ा नी शॉप पर आया छे। बाजू में इंडियन रेस्टोरेंट जे कीधु मैं कि वेट छे था, वेट करवा कीधु ने लोको 15-20 मिनट, એટલે આપણે અહીંયા આવી ગયા। વેટ એટલે જગ્યા ની મળ આપે સાથે। क्राउड बहुत है यहाँ पे देख सकते हैं आप। ए ओ पिली क्या चली, शैतानी बच्चा, शैतानी छोटा बच्चा, भाई चो कैमरा। हमें टेबल अलॉट कर दिया उन लोगों ने, यहाँ पे हमें पिज्जा खाना पड़ा। तो यहाँ पे हम ऑर्डर कर रहे थे और ये लोग ने वाटर दिया, तो ये लोग ने पानी में आइस डाल दिया। पता नहीं कैनेडियन कैसे, ऐसे तो कैसे इतनी ठंडी में -10 में भी आइस पीते हैं। आइस क्या बोलना चाहोगे आप, बहुत गर्म पानी। बहुत गर्म लग रहा है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा आइस डालना पड़ेगा। और और आपको रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे हमारी बैम्फ के हाइलाइट्स भी हम डालेंगे। यहाँ पे पूरा फैमिली अभी नाश्ता करने के लिए बैठ गए, अंकल थोड़ा बिजी है। अंकल क्या बोलना चाहोगे आप? मैं क्या बोलूँ, इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है कि सब कुछ कांप रहा है। और फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं और घूम रहे हैं, और यहाँ पे इसी माहौल का मजा लेना अच्छी बात होती है। तो आप आइए और हमारे बैफ का मजा लीजिए।
तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू मिल चुका है। मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। तो अभी हमने नाश्ता कर लिया है, जैसे आपने देखा पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा लिया है, फ्रेंच फ्राइज मंगवाई थी हनी ने अपने लिए स्पेशल। तो अभी हम जा रहे हैं लेक लुइस, जो यहाँ का सबसे फेमस लेक है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेक्स हैं, जैसे कि लेक मोरिन और बहुत सारे, मुझे नाम नहीं आते। लेक मोरिन है, लेक लुइस है, उसके बाद लेक लुइस में हम एक्टिविटी कर सकते हैं। लेक लुइस सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट है और बहुत ही बढ़िया व्यू है, इसलिए हम वहाँ पे जाने वाले अभी। तो ऑलरेडी हमने बस बुक करवा दी है, तो अभी हम वेट करेंगे, थोड़े टाइम में बस आ जाएंगी। ये रहा मैप है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैप है, आप देख सकते हो अगर आपको हेल्प चाहिए। तो हम जाने वाले हैं लेक लुइस एक्सप्रेस, लेक लुइस रूट 8X। तो रूट 8X से डार्क ग्रीन लेक लुइस। किधर जा रहे हैं? अंदर आप बाहर ले जाने। सो अभी हम थोड़ा आगे एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है, और यहाँ के बच्चे भी बहुत क्यूट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप ये एंजॉय कर सकते हो, क्रिसमस इन बैम्फ एंड लेक लुइस। ये देखो बैम क्रिसमस मार्क है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइट है, नवंबर 18 से स्टार्ट हो गया है, 11 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है, बफेलो स्ट्रीट और वुल्फ स्ट्रीट पे। और टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे जो भी होटल है, कहीं पे भी आप होटल बनवा लो, बहुत ही बढ़िया व्यू रहेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि माउंटेन की वजह से, ये जो सन है उस माउंटेन के पीछे है, तो हमें सनलाइट नहीं मिला, लेकिन आप उस माउंटेन पे देख सकते हो सनलाइट आपको दिख रही होगी, क्योंकि वो थोड़ा हाइटेड है। तो अभी हम जाएंगे लेक लुइस एज वी सेड, और यहाँ पे ऐसे ट्रक्स बहुत यूज़ होते हैं, क्योंकि स्नो में यहाँ पे पूरा, यहाँ पे स्नो से कवर हो जाता है रोड वोड, तो ऐसे बड़ी हाइटेड वाले गाड़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है गाइस, अभी रात होने वाली है। मैं आपको व्यूज़ है ना यहाँ पे, जो भी व्यूज़ है यहाँ पे, मैं आपको वर्ड्स में कभी नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे आके आप उसको फील कर सकते हो, जस्ट लाइक इस अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली ग्रेट, ऑसम, इनसेन, फैबुलस। आप जो भी वर्ड यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया व्यूज मिलेंगे आपको, जन्नत है यहाँ पे, जन्नत। और समर में आओ, विंटर में आओ, कभी भी आओ, ऐसा नहीं है कि विंटर में ही अच्छा लगता है, लेकिन विंटर में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बिकॉज सब स्की कर सकते हैं, ये भी सही है, स्केटिंग कर सकते हैं आइस में, इसलिए और विंटर में मज़ा भी आता है। लेकिन देख सकते हो बस बहुत ही बढ़िया है, डबल टेकर है, जस्ट हीटर वाली, बहुत ही मजा आने वाला है। अभी वहाँ पे वो लोग करवा रहे अप्रूव, जैसे अप्रूव होगा हम अंदर जाएंगे। ओह माय गॉड, बहुत ही मजा आने वाला है। ओ, हमें आगे से चढ़ना पड़ेगा, आई डोंट थिंक सो। बस बहुत ही बढ़िया है, बस अंदर से आपको दिखाएंगे कैसी है। अभी अभी मेरे फ्रेंड का कॉल आया जो ऑलरेडी लेक लुइस पे, उसने बोला वहाँ पे -15 है, एंड ही इज फीलिंग लाइक फ्रीजिंग। मैंने उसको बोला कोई एक्टिविटी की या स्की हुई सी, तो वो बोल रहा है कि नहीं कुछ नहीं हो पाया, बहुत फ्रीज ठंडा है। हाँ -15 है ना, क्योंकि यहाँ पे -10 है, नीचे भी -10 है, बहुत विंडी, बहुत है, बहुत विंडी है, विंड कुछ ज़्यादा ही है, हाथ हाथ सब फ्रीज हो रहा है। चलो चलो चलो, बहुत लाइन लंबी लगी हुई है।
तब तक आप ओ है बस में तो हीटर छे लेक लुइस तो आखू खुल्लू छे हम एक होटल छे पेली 1.5 लाख वाली पर नाइट 1.5 लाख आंटी हमें तो एक होटल छे ने पर नाइट 1.5 लाख भाड़ू हो आ तो क्रॉप कर दिया चलो अभी चलते हैं घर जाके वैसलीन लगाना पड़ेगा गोरे भाई बैठे वहाँ पे यहाँ की बस बहुत हाईटेक है मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी टिकट तो देखा नहीं मैं हेलो हाय मेरी क्रिसमस આપણે ગમે ત્યાં બેસીએ ને છેલ્લે બેવાનું આપણે તો મજા આવી જાય અમે કમ્ફર્ટેબલ હે આગળમાં બેસ पीछे वाले जो माउंटेन से गाइस दिखेंगे बहुत ही बढ़िया अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बस में हीटर है वरना बहुत ठंड लग रही थी सच बात है भाई विंटर में कुछ अलग ही नज़ारे रहते हैं ये देखो जस्ट लुक एट द व्यूज आप देख सकते हो माउंटेन ये पूरा रॉकी रॉकी रेंज माउंटेन्स बहुत लंबी है इसकी रेंज जैसे हमारा हिमालयन रेंज जैसे मजा आ जाता है बस बहुत खाली है बहुत मिला के 10 मेंबर ही पूरी बस में और बताओ कुछ नहीं अभी वहाँ पे जाके -15 है अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है स्नो एक्टिविटी कोई करना है करनी तो है स्केट्स देखते हैं स्केटिंग करते हैं या स्की करते हैं स्की तो नहीं कर सकते क्योंकि हमको आता नहीं है लेकिन स्केटिंग कर सकते हैं आइस स्केटिंग और एक डॉगी वाली कुछ एक्टिविटी है जो डॉगी हमको खींच के लेके जाते हैं वो गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसा तो देखते हैं अभी आगे कंटिन्यू बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में मैं हॉट स्प्रिंग करने वाला था मैं बोला जितना भी पैसा होगा कर लेंगे लेकिन हुआ क्या कि यहाँ से 1 घंटा और हमें जाना पड़ेगा हॉट स्प्रिंग करने के लिए तो उसकी वजह से मुझे ये कैंसिल करना पड़ा बहुत दुख हो रहा है क्योंकि हॉट स्प्रिंग करने का बहुत तगड़ा मज़ा आता है उसे नेक्स्ट डे वापस आएंगे और सब कुछ करेंगे पूरा ये ड्रामेटिक लग रहा है पता है जैसे डरावना सिनेमेटिक सीन होना सम टाइम पूरा डार्क हो जाता है हॉलीवुड मूवीज़ में विंटर लुक दिखता है ना इसकी वजह से बहुत अच्छा दिख रहा है आप देख सकते हो अगर अभी स्नोफॉल हो जाए ना तो भाई मज़ा आ जाएगा ठंड बढ़ जाएगी लेकिन मज़ा आएगा अभी हम टनल में जा रहे हैं You cannot stand it. All I know the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.
what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. કહું લાગે તને બસમાં બેસે તો તંગો નહીં લાગે બહાર જાય તો ઠંડી લાગે એ બોલતા કે બહાર જાયંગે તો ઠંડી લગતી હે બસ મેં ઠંડી નહીં લગતી હે તમારા લોકો કઈ કરે ફ્રેશ સ્નોફોલ હુઆ થા યસ્ટરડે નાઈટ કો ઓહ ઇદુ હોતા બહોત હી બઢિયા લગા થા ઓર સામને દેખો યે દેખા આઈલો अभी आप जो सामने में भी सुन करूँगा ये जो फेयरमाउंट होटल है वहाँ पे जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर वो सब आते हैं उस होटल में पर नाइट रेंट है 1.5 लाख रुपीस लाख रुपीस व्हाट व्हाट यू नो व्हाट 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 ओह व्हाट व्हाट जो सामने होटल कितनी मस्त है हां वाओ आपको कितनी मोटी मोटी अच्छी टीम है